कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। शनिवार 7 अगस्त को शनिदेव की पूजा का विशेष संयोग बनने जा रहा है और इस दिन पूजा करने से शनि की साढ़सती और शनि की ढैया से भी आपको राहत मिलेगी। इस समय न्याय के कारक माने जाने वाले शनि ग्रह अपनी ही मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इस साल शनिदेव का कोई राशि परिवर्तन नहीं है, शनिदेव इस साल सिर्फ अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। मौजूदा समय में शनिदेव श्रवण नक्षत्र में विराजमान है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। शनि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर अच्छे और बुरे फल प्रदान करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव के प्रकोप से बचना है तो गलत कार्यों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि शनि अपनी दशा में, महादशा में, अंतरदशा में, साढ़सती में और शनि के ढैया के दौरान परेशानियां पैदा करते हैं। शनिदेव की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता है, यहां तक कि स्वयं भगवान शिव को भी शनि की दृष्टि का शिकार होना पड़ा था, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। शनिदेव भगवान शिव के भक्त हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शनिदेव ने कठोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शनिदेव को सभी ग्रहों में न्यायाधीश बनाया था। शनिदेव को वरदान प्राप्त है कि उनकी दृष्टि से मनुष्य और देवता भी नहीं बच सकते हैं, इसलिए शनिदेव सदैव अपनी दृष्टि को नीचे किए रहते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। शनिदेव भोलेनाथ के परम भक्त हैं, इसलिए सावन में पड़ने वाले शनिवार के दिन पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन शनिदेव से जुड़ी चीजों का दान भी करना चाहिए। 7 अगस्त को शनिवार का दिन है। इस दिन शनिदेव को शांत करने के लिए शनि चालीसा और शनि मंत्रों का जाप करना जरूरी है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की साढ़सती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या फिर शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या फिर शनि कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में लोगों को 7 अगस्त के दिन शनि मंदिर में शनिदेव के दर्शन कर पूजा करनी चाहिए, साथ ही शनि चालीसा और शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस समय धनु राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में शनि की साढ़सती चल रही है, जबकि मिथुन राशि में और तुला राशि में शनि की ढैया चल रही है। शनि की साढ़सती व ढैया के दौरान व्यक्ति को सेहत, धन और व्यापार से जुड़ी चीजों में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शनि वर्तमान समय में वक्री अवस्था में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। 11 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी होंगे। शनि जब वक्री यानी उल्टी चाल चलते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान नहीं करते, यानी उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में शनि की जो गति है वह बहुत धीमी मानी गई है, तभी इन्हें शनि शनि कहा गया है। शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाने पर करीब 2.5 साल का समय लेते हैं। इस दौरान व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में, लव रिलेशनशिप में और कैरियर आदि में भी कई बार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि 7 अगस्त को सावन के शनिवार के दिन शनि के उपाय करते हुए सरसों का तेल, काले तिल, काला छाता, काली उड़द की दाल और अनाज का दान करना चाहिए। इसके साथ ही शनि चालीसा और शनि के मंत्र ओम शम शनिचराय नमः का जाप करना चाहिए। इससे शनि शांत भी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।